राजस्थान में राजनीतिक घमासान का दौर थमता नहीं दिख रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते आए हैं कि उनके पास बहुमत का पूरा आंकड़ा है और वो फ्लोर टेस्ट के लिए भी तैयार है। लेकिन हाल ही में गहलोत खेमे के सभी विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट करने के दौरान विधायकों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो नंबर गेम में गहलोत के दावों की पोल खोलता नजर आता है। दरअसल राज्यपाल कलराज मिश्रा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्र बुलाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद गहलोत खेमे के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के दौरान विधायकों की जो संख्या सामने आई है उसने गहलोत गुट के अब तक के दावों की पोल खोल दी है। कभी 109, कभी 104 तो कभी 101 से ज्यादा विधायकों की बाड़ाबंदी के दावों के उलट हाल ही में जैसलमेर शिफ्टिंग के दौरान महज 97 विधायक नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जयपुर से ही जैसलमेर के सफर में पहले हवाई जहाज में 54 विधायक चढ़े, दूसरे चार्टर प्लेन में मात्र 6 विधायक तो तीसरे प्लेन में 37 विधायक रवाना हुए। इस तरह से देखा जाए तो अब तक कुल विधायक 97 ही होते हैं। बता दें गहलोत खेमे के विधायकों की शिफ्टिंग मुख्यमंत्री के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त के रेट बढ़ गए हैं। अब ऐसे में जहां पर बता दें आपको कि राजस्थान की राजनीति में सियासी भूचाल आया हुआ है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं अब नंबर गेम को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोल खुलने का दावा किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति में आगे क्या होगा। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। SKN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।